अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लजीज रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा, जो कि बनाने में बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलो देखते हैं हमें ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। डेढ़ कप हमने बेसन लिया है। बेसन के अंदर हम 3 टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने 6 आलूओं को बॉईल कर दिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे, 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून राई लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी लेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लेंगे, कसूरी मेथी हमने 1 टीस्पून ली है, हरा धनिया लेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। पकोड़े बनाने के लिए हमने 8 ब्रेड ली हैं। इसके ऊपर हम हरी चटनी लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम स्टफिंग लगाएंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने हरी चटनी की रेसिपी शेयर की थी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। हमने आलूओं को मैश कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ज़ीरा, राई, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट। हम इसे अच्छे से भूनेंगे। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। अब सारे मसालों को हमने आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, चाट मसाला, कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जिसके पास चाट मसाला ना हो तो वो आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब हम इसे ठंडा कर देंगे। अब हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। उसके अंदर हम चावल का आटा डालेंगे, अजवाइन, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, हल्दी और सोडा हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
पकोड़े का बैटर अब रेडी हो चुका है। हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। सबसे पहले हम पकोड़ों की स्टफिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे। इस तरह से अब हमने हरी चटनी लगा दी है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी हम उसे लगाएंगे। अब हम दूसरा ब्रेड की स्लाइस उसके ऊपर रख देंगे। अब हम छुरी से क्रॉस काट देंगे। अब हम सारे ब्रेड इसी तरह भर देंगे। अब हमने सारे ब्रेड में स्टफिंग भर दी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हरा धनिया हमने बचा कर रखा था, अब हम इसमें ऐड कर देंगे, बैटर में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम ब्रेड को बेसन के अंदर डुबाएंगे इस तरह से। अब हम इसे पलटा लेंगे। हम इसे दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। अच्छा गोल्डन कलर आने तक अब हम इसे फ्राई करेंगे। अभी फ्राई हो चुके हैं, अब हम सारे पकौड़ों को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।